नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को दिया एक और सौगात। जिला महिला चिकित्सालय परिसर में 100 शैया युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का फीता काट कर किया शुभारम्भ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 50 करोड़ 75 लाख की लागत से कुल 9 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वस्थ माँ और बच्चा देश का होता है धरोहर। यदि समय से गर्भवती माँ बच्चे का टीका लगा दिया जाए तो दोनों ही रहेंगे स्वस्थ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मद्देनजर लोकसभाओं सभा क्षेत्र के सांसदों व विधायकों के साथ सीएम योगी ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला महिला चिकित्सालय के पूर्व प्रमुख अधीक्षक पर लगे आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जांच चल रही है, जांच के बाद जिन पर जो आरोप सिद्ध होगा उस पर कार्रवाई होगी जरूर। जनपद के 30 केंद्रों पर संपन्न हुई पुलिस आरक्षी एवं पीएससी की सीधी भर्ती परीक्षा। एक केंद्र पर मचे अफवाह के कारण दूसरी पाली की परीक्षा हुई स्थगित। सोमवार को अब दूसरे केंद्र पर होगी परीक्षा। बनवारी लाल कंछल की अध्यक्षता में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर इकाई की त्रैमासिक बैठक। संगठन को मजबूत बनाने सहित व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में सनातन संस्कृति के आधुनिक प्रेरणा हनुमान प्रसाद पोद्दार विषयक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने हनुमान प्रसाद पोद्दार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। पुरदिलपुर स्थित शिव मंदिर परिसर में स्थित पीपल के पेड़ में लगी आग। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। और 10% आरक्षण दिए जाने के विरोध में संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने दिया धरना। जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। जिला महिला चिकित्सालय परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का रविवार को प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर उद्घाटन किया और नए साल में जिले को एक तोहफा दिया। महिलाओं की बेहतर स्वास्थ्य के लिए बनाई गई स्वास्थ्य इकाई के उद्घाटन का महानगर वासियों को लंबे समय से इंतजार था। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा की प्रमुख इकाइयों का निरीक्षण भी किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह एवं मातृ एवं शिशु परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, अन्य अतिथियों में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक फतेह बहादुर सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व महापौर अंजू चौधरी, जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एस के तिवारी, प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉ. आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, डॉ. मंजरी टंडन सहित जिला अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ, कर्मचारी और नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉ. आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, थोड़ा सा आप लोग पीछे अगर स्पेस ले लेंगे ना, जगह ले लेंगे तो मैं समझ रहा हूँ सबका काम हो जाएगा अच्छे से। बढ़ते रहेंगे।
होगा। आप बताइए ना कि हमारा 100 विंग का MCS सेंटर का उद्घाटन किया है, इसके विषय में हम बता सकते हैं क्योंकि अन्य जो सुविधाएं हैं वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा संचालित की जाएंगी। हमारे इस यूनिट में 100 सैया का मातृ शिशु का भर्ती करने का और इलाज करने की सुविधाएं, सारी सुविधाएं हैं। इनके डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन की सुविधाएं हैं, बच्चों के सीरियस होने पे SNCU की सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं हैं और पैथोलॉजी जांच की सुविधाएं हैं और इस तरह ये सब की नहीं है। इसमें यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, शुल्क का कोई जांच, किसी जांच का कोई शुल्क नहीं है। दवाई भी निःशुल्क सब सरकार से ही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला जिला चिकित्सालय में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर कुल 50 करोड़ 75 लाख की लागत से कुल 9 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें 45 करोड़ 56 लाख की लागत से 6 परियोजना का लोकार्पण तथा 5 करोड़ 19 लाख की लागत से 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पित परियोजनाओं में 100 शैया युक्त MCH विंग महिला चिकित्सालय, 100 बेड TB हॉस्पिटल का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अराव जगदीश उरवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरौली चौरी चौरा एवं गगहा में मिनी PICU की स्थापना तथा शिलान्यास परियोजनाओं में जिला चिकित्सालय में MRI मशीन की स्थापना, जिला महिला चिकित्सालय में OT उच्चीकरण मॉड्यूलर OT की स्थापना तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में OT उच्चीकरण मॉड्यूलर OT की स्थापना शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने JEES रोग की रोकथाम संबंधी पुस्तक तथा इसकी कार्य योजना संबंधी पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लोकार्पित 100 शैयायुक्त MCH विंग एवं 100 शैयायुक्त क्षय रोग सह सामान चिकित्सालय व 3 मिनी PICU महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में काफ़ी उपयोगी होगा। इन स्वास्थ्य सुविधाओं में केवल जनपद गोरखपुर ही नहीं बल्कि नेपाल, बिहार एवं बस्ती, आजमगढ़ आदि मंडलों के जनपदों के मरीज लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि 100 शैया MCH विंग एवं 6 रोग सह सामान चिकित्सालय का कार्य समय से पूर्ण हुआ है और जब योजना समयबद्ध ढंग से पूर्ण होती है तो रिवाइज एस्टीमेट की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बेहतरी हेतु प्रदेश अग्रणी भूमिका में है। उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम में काफ़ी सफलता मिली है और आने वाले समय में इसे समूल नष्ट करने की दिशा में प्रबल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी से पुनः JEE टीकाकरण का प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है। द्वितीय चरण 15 मई से 15 जून तक तथा तृतीय चरण 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बीमारी पर नियंत्रण पाने हेतु 5 विभागों जैसे पंचायती राज, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, ICDS एवं आपूर्ति विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी के प्रति जनमानस को सावधानी बरतनी चाहिए और इंसेफ्लाइटिस के लक्षण दिखते ही तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर इलाज प्रारंभ कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ माँ और बच्चा देश का धरोहर होता है। यदि समय से गर्भवती माँ व बच्चे का टीका लगवा दिया जाए तो दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि BRD मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। वहाँ किसी भी विषाणु जनित बीमारी की खोज हेतु रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता की दृष्टिगत 2,60,00,000 तथा जनपद गोरखपुर में 50,00,000 स्वच्छ शौचालय बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 11,00,000 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 8,60,000 परिवारों को शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदेश में 94,00,000 से अधिक परिवारों को दिया गया है। विद्युत आपूर्ति प्रदेश के सभी जनपदों को स्वभाव से उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विकास हेतु स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा एवं विद्युत का होना आवश्यक है और प्रदेश सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि 100 शैया युक्त MCH विंग का निर्माण प्रदेश के 35 जनपदों में किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर जनपद में प्रथम लोकार्पण किया गया है। शेष 20 अस्पतालों का लोकार्पण फरवरी माह के अंदर कर दिया जाएगा। मात शिशु दर सुधार के दृष्टिगत ये अस्पताल काफ़ी उपयोगी होगा। JEAES की बीमारी के निदान में भी ये अस्पताल योगदान देगा। इंसेफ्लाइटिस बीमारी पर काफ़ी नियंत्रण पाया गया है। वर्ष 2017 से 2018 के बीच इस बीमारी में 58% की गिरावट आई है। मातृ एवं शिशु परिवार कल्याण मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरी में निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु है। उन्होंने कहा कि परिवार तभी सुखी होता है जब स्वस्थ होता है। लोकार्पित अस्पताल में समस्त चिकित्सीय सुविधाएं एवं स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, संत प्रसाद फतेह बहादुर सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रशांत त्रिवेदी, NHM MD पंकज कुमार, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन आदि उपस्थित रहे। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे कैबिनेट, माननीय कैबिनेट मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैडम प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, और वो क्षण आ चुका है हमारे बीच आज उपस्थित है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ। कर जो ध्वनियों से उनका स्वागत किया जाए। हार्दिक खुशियां हो रही हम सभी को, जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज। आज हम सब बहुत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं जी। हमारे प्रभारी मंत्री जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं हम सब। आज हम सब यहां पर स्वागत कर रहे हैं हमारे सभी जो भी अतिथिगण यहां हमारे मंच पर। आनंदपुर वासियों की पीड़ा को समझते हुए परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, तो अब हम मैं आ पाए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। असतो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा मृतम गमया। जी हाँ, भारत की परंपरा है, हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कृपया कलकल ध्वनियों से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस दीप प्रज्वलन का के समय को यादगार बनाए। आप सभी से अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के अपने बहुत ही प्रिय सांसद परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर उपस्थित, उत्तर प्रदेश के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, हमारे महापौर जी अग्रवाल जी जो यहाँ के विधायक हैं, मंच सभी हमारे विधायक गण, हमारे धर्म सिंह जी जो कि यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, और मंच पर हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय प्रशांत त्रिवेदी जी, और NHM के हमारे MD पंकज कुमार जी, उपस्थित सभी जिला अधिकारी गण और उपस्थित यहाँ पर सभी देवियों, सज्जनों, बच्चों, युवाओं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज एक MCH मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इस बात से बहुत संतोष व्यक्त करती हूँ कि जब से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन को एक नया आयाम, एक नया रास्ता दिया गया, और उत्तर प्रदेश जहाँ इस मिशन को सुस्त कर दिया गया था, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, जैसे ही यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने मातृ एवं शिशु कल्याण की ओर ध्यान दिया, मुझको जिम्मेदारी दी
महिला कल्याण की, मातृ एवं शिशु कल्याण की, परिवार कल्याण की, और निरंतर इन्होंने खुद मॉनिटर किया, देखते रहे कि कहां किस चीज की आवश्यकता है। और अगर उन्होंने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, जहां उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सक्रियता से सारे विभागों को लगाया, वही मैं इनको बधाई देती हूं इनकी दूरदर्शिता को कि इन्होंने सारे विभागों को जोड़कर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम प्रारंभ करवाया। उन्होंने ये जाना कि कोई एक विभाग इसको संभव नहीं है कि कर सके, और उन्होंने जनमानस को, आप सबको भी उसमें सम्मिलित किया। इनका उद्देश्य था कि हम बीमारी क्यों पढ़ने दें बच्चों को, क्यों ऐसी परिस्थिति करें, खड़ी करें जिसमें महिलाओं को चिकित्सा के लिए, हाँ प्रसव के लिए आना आवश्यक है, लेकिन बीमार होकर हमारी महिला को नहीं आना चाहिए। तो स्वस्थ महिला, स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु, ये उद्देश्य है सरकार का, और इसी के अंतर्गत अनेकों कार्य किए गए। बीमारी ना हो, सबसे पहले टीकाकरण शुरू किया गया, टीकाकरण के साथ साथ अस्पतालों का उच्चीकरण किया गया, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह पर काम तेजी से शुरू हुआ। क्योंकि पिछली सरकारों ने तो सिर्फ इमारतें खड़ी करी, पर उस इमारत में डॉक्टर नहीं, टेक्नीशियन नहीं, उसके अंदर नर्स नहीं, वार्ड बॉय नहीं, कर्मचारी नहीं, हजारों हजारों पद रिक्त छोड़े, और जो भरे भी तो इतनी बेमानी से भरे कि अदालतों ने उसको रद्द कर दिया। इसलिए ये साथ साथ सब काम चला, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जहां हम लोगों ने व्यापक टीकाकरण का काम किया, वही सबसे अगर अव्वल टीकाकरण के क्षेत्र में अभी जो अंतिम अभी चल रहा है MR मीजल्स रुबेला, इसमें जो सबसे अच्छा जनपद निकला है वो गोरखपुर निकला, और गोरखपुर मंडल निकला 100% टीकाकरण MR में गोरखपुर में हो चुका है, देवरिया में 100%, बस्ती में 100%, और महाराजगंज में 98% हो चुका है टीकाकरण में। बधाई आप सबको देना चाहती हूँ। अगर माए ना चाहे, परिवार ना चाहे, तो ये संभव नहीं था। जेई से लंबी लड़ाई लड़ी हमारे मुख्यमंत्री जी ने। जेई क्या है, इसको जनता के सामने, देश के सामने लाने वाले ही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और उन्होंने दो चरणों में जिस तरह से जेई का टीकाकरण सभी विभागों को मिलाकर किया, तो 2017 में 94 लाख और 2018 में 34 लाख लोगों को टीका देकर और जेई से बचाने का काम किया। अगर आपने देखा कि यही BRD जो पूरे देश की दृष्टि में होता था, बच्चों की बीमारी जेई से लेकर मृत्यु को लेकर, इस बार इतनी अच्छा व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री जी अभी भी खुश नहीं है, बहुत कम हुआ है अब की बार भर्ती होना और बहुत कम हुई मृत्यु दर, लेकिन आपका कहना है कि अगले वर्ष तक 0 हो जाना चाहिए, एक भी बच्चा हमारे अस्पताल में नहीं आना चाहिए। उसके लिए आसपास के जितने जिले समय शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आप सबके साथ लेकर उन्होंने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया। मैं तो कहती हूँ गोरखपुर अब नजीर बन गया है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए। अब गोरखपुर क्या रास्ते चलेंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं एक साल में इतनी बेहतरीन हो जाएंगी कि हम लोगों को लोग रेप्लिकेट करेंगे, ये मैं एक बहुत गारंटी के साथ कह सकती हूँ। इसी के साथ हमने डायरिया के लिए, दस्त के लिए रोटा वायरस को समाप्त करने के लिए वैक्सीन चलाई, हमने निमोनिया से लड़ने के लिए वैक्सीन चलाया, और 12 जिले खासतौर से जो तराई के हैं उनको हमने लिया, क्योंकि वहां बच्चे निमोनिया से बहुत मरते थे। तो चाहे दस्त हो, निमोनिया हो, JE हो, MR हो, चाहे इंद्रधनुष के अंदर 6-7 बीमारियां हो, अब हम लोगों ने तेजी से काम किया है। NHM काम कर रहा है, हजारों हजारों लोग हर विभाग के लगे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को हम भारत के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में लाकर रहेंगे। मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने बच्चों की सुरक्षा, आपको जैसे मालूम है कि अभी हमारा एक आपका ये अस्पताल हम समर्पित कर रहे हैं, 35 ऐसे 100 बेड के अस्पताल
उत्तर प्रदेश में तैयार हैं और शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से उनके करकमलों से उसका उद्घाटन होगा। आजकल मैन पावर वहां लोगों की भर्तियां की जा रही हैं, साथ ही साथ 102 तो चलती ही है, 2202 चलती है, लेकिन एक नवीन चीज भी आ रही है, उसको कहते हैं MMU, मोबाइल मेडिकल यूनिट। ये एक ऐसी यूनिट होगी जैसे आपकी एम्बुलेंस होती है बड़ी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ होगा, जांच भी होगी, डॉक्टर भी होगा, नर्स भी होगी, और वो जगह जगह जाएगी। ऐसी 170 MMUs हमने मुख्यमंत्री जी के करकमलों से फरवरी के प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह में आपको समर्पित करने की तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ आपने देखा कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी के प्रयासों से किस तरह से एक हम लोगों ने अब ऑनलाइन आपकी मेडिकल फैसिलिटी भी शुरू कर दी है, तो हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। और ALS जो कि 150 शुरू हुए थे एडवांस लाइफ सपोर्ट वैन्स, अब उनको 100 और उसमें जोड़े जा रहे हैं ताकि आपकी सेवा कर सकें। मैं फैमिली प्लानिंग पे आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने आपसे बताया कि बच्चा बीमारी ना पड़े, कमजोर ना हो, मातृ मृत्यु दर ना हो, शिशु मृत्यु दर ना बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग अपने मिशन परिवार विकास को आगे बढ़ाएं। जब हम करते हैं बात फैमिली प्लानिंग की, परिवार नियोजन की, तो सीधे बात आती कि बच्चे ना हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर देश का आंकड़ा 2.1 प्रति वर्ष की ग्रोथ है बच्चे की, तो उत्तर प्रदेश के आंकड़ा अनुपात 2.7 है, लेकिन बहुत जनपद ऐसे हैं, 53 जनपद, जिनमें 3 के ऊपर हमारा दर है, जन्म का दर है। इसको हमें कंट्रोल करना है, लेकिन मकसद ये नहीं है कि बच्चे ना हो, लेकिन अगर बच्चों के बीच में गैप नहीं होगा, दूरी नहीं होगी, तो न माँ स्वस्थ रहेगी, न बच्चा स्वस्थ रहेगा, न परिवार प्रसन्न होगा, न परिवार खुश होगा। इसलिए अगर आपसे कहा जाता है कि फैमिली प्लानिंग विधियों को अपनाइए, तो ये मत समझिए कि सरकार आपके खिलाफ है। सरकार चाहती है स्वस्थ परिवार हो। और अभी कुंभ में हमने लॉन्च किया है अपना पूरा एक पूरे जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमने सेवाएं दी हैं, और मैं आपको बताऊं 39 सेवाएं हैं, माँ से लेकर जो कि जिसके बच्चा होने वाला है उससे लेकर वृद्ध व्यक्ति तक, हर स्तर के लिए योजना है। तो इन 39 योजनाओं को आपको जानना चाहिए, नेट पे जाइए, अस्पताल में जाइए और जानकारी लीजिए। और इसी तरह से बच्चों को, कभी कभी बच्चे इतने कमजोर होते हैं कि मर जाते हैं, बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती, उसके लिए नवीन प्रयोग किए गए हैं। मैं आपको ये बताते हुए हर्ष होता है कि 2018-19 के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि 4 तरह से बच्चों को बचाने के लिए 4 तरह की केयर यूनिट होनी चाहिए। उनका नाम NBCC, NBSU, SNCU, NRC, यानी बच्चों को अलग अलग तरह, जो बहुत कमजोर है उसको कैसे रखें, जो कम कमजोर है उसको कैसे रखें, इस तरह के थे। और हम लोगों ने सोचा था कि 2876 एक साल में 2876 यूनिट हम बनाएंगे। और ये आपको जब बताते हुए खुशी होती है कि 2133 हमने 1.5 साल में बनाकर खड़ी कर दी है। और ये केयर यूनिट हर अस्पताल में एक कोना होगा, उस कोने में बच्चे को आवश्यकता अनुसार उसकी देखभाल होगी, इसकी व्यवस्था की है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक और प्रयोग किया है, और उस प्रयोग को हम लोग कहते हैं कंगारू मदर केयर। कंगारू जानवर होता ना, अपने बच्चे को सीने से लगाया रहता है, क्यों? क्योंकि जब बच्चा बदन से चिपकता है माँ के या किसी परिजन के, तो उसकी बदन की गर्मी बनी रहती है, संतुलन बना रहता है, और कमजोर बच्चे की जीने की बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कंगारू मदर केयर हमारी सरकार ने शुरू किया, और आपको बताते हुए खुशी होती है कि आज हर जनपद में कंगारू मदर केयर खड़ी हो गई है, अनेकों अस्पतालों में कंगारू मदर केयर का कॉर्नर है, जिसमें कि माँ को समझाया जाता है कैसे बच्चे को चिपका के रखना है, परिजनों को सिखाया जाता है। तो हर तरह का प्रयास कि बच्चा स्वस्थ हो, पैदा हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, अस्पताल में बच्चा पैदा होगा तो बच्चा जच्चा दोनों अच्छे रहेंगे। आज से 10 साल पहले आपको बताते हुए मुझे एक आपको आश्चर्य होगा, केवल 26% महिलाएं अस्पताल में बच्चा जन्मने के लिए जाती थी, प्रसव के लिए जाती थी, और आज 80% महिलाएं बच्चे के लिए, जन्म देने के लिए अस्पतालों में जाने लगी हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने लगी है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी हम लोगों ने एक नई चीज और शुरू करी,
हम लोगों ने सास बहु सम्मेलन शुरू किए और उन सासों को हम सम्मानित करते हैं जो अपनी बहुओं को अस्पताल ले जाती हैं उनको उनकी डिलीवरी के लिए। हम उन सासों को सम्मानित करते हैं जो अपनी बहुओं की देखभाल करती हैं जब उनको प्रसव का समय होता है। तो बहु और सास के बीच में संबंध बनाना, एक और नई चीज शुरू करी हम लोगों ने और वो है हौसला साझेदारी। हौसले साझेदारी में अब पहले ये था कि जो अस्पतालों में बच्चे पैदा होंगे या जो लोग अपनी फैमिली प्लानिंग कराएंगे उन्हीं को पैसा दिया जाएगा। अब हौसला साझेदारी में ये तय हुआ है कि जो हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम है अगर कोई वहां पर भी नसबंदी कराता है तो उसको भी वही धनराशि दी जाएगी जो कि सरकारी अस्पतालों में दी जाती है। तो इस तरह की प्रयास भी हो रहे हैं। सारथी नामक वैन चल रहा है 53 जनपदों में जो प्रचार प्रसार कर रहा है फैमिली प्लानिंग का। बहुत सारे ऐसे प्रयास हो रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज ये जो समाप्त एक जो खड़ा हुआ है आपके आपको समर्पण हो रहा है एक महिला और बाल चिकित्सा अस्पताल, इसके क्वालिटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सभी डॉक्टर्स की होगी, चिकित्सकों की होगी और निगरानी आपकी होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के जब अस्पताल पूरे प्रदेश में खड़े हो जाएंगे तो सुरक्षित मातृत्व भी होगा। और आपको तो मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने मातृत्व वंदना योजना शुरू करी है और आपको जान के खुशी भी होगी कि 11 लाख हमारी माएं माताएं इस प्रदेश में इसका लाभ ले चुकी हैं। तो मैं बस यही कह के अपनी वाणी को विश्राम दूंगी कि एक परिवार तभी सुखी होता है जब उसमें स्वास्थ्य सही हो। और स्वास्थ्य जननी और धुरी माता होती है, बेटी होती है, महिला होती है। महिला स्वस्थ होगी तो बच्चे स्वस्थ होंगे, शिशु स्वस्थ होगा तो फिर किशोर भी स्वस्थ होंगे और सब स्वस्थ होंगे तो बुढ़ापा भी अच्छा निकलेगा। तो परिवार सारे जुटकर आप लोगों से निवेदन है कि भारत सरकार की और प्रदेश सरकार के इन प्रयासों में आप अपना संपूर्ण सहयोग दें और निश्चित रूप से जैसे हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं और जैसा प्रयास और प्रयोग सफल होता नजर भी आ रहा है, दिख रहा है। बहुत रिक्तियां छोड़कर गए हैं सब लोग पिछली सरकारें, हम लोग तेजी से उन रिक्तियों को भरने की प्रयास कर रहे हैं। आज ही 11,000 रिक्तियों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का इम्तिहान हो रहा है, परीक्षा हो रही है। और आपको हम आश्वस्त कर रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार परीक्षा होगी तो निष्पक्ष होगी, बेमानी के बिना होगी और योग्यता के आधार पर लोगों को नियुक्ति मिलेगी। और कहीं भी गलती होगी तो अदालत को बीच में नहीं आना पड़ेगा, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अदालतें सब कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको भी आगाह करती हूँ किसी बिचौलिए पे मत जाइए, ये सरकार बसपा सपा की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें एक योगी मुख्यमंत्री है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार और इसको समर्पित मुख्यमंत्री जी करेंगे इसका समर्पण तो निश्चित रूप से इनके आशीर्वाद से बहुत ही सफल यहाँ पर आपका इलाज होगा। धन्यवाद, जय हिंद। सच में जैसा कि आदरणीय रीता जी ने अपना प्रस्तुतिकरण किया, किसी भी सरकार की चार विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य का इंतजाम कर दे, चलने के लिए सड़कें दे दे, शिक्षा का उचित प्रबंध हो जाए, विद्युत की व्यवस्था हो जाए। तो योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार निरंतर इन सभी दृष्टिकोणों से आगे बढ़ने का काम कर रही है। आज के इस अवसर पर जनपद का प्रभारी होने के नाते मैं आप सभी को बधाई देता हूं और निश्चित रूप से सभी जनपद के अधिकारीगण सौभाग्यशाली हैं कि गोरखपुर में उनकी तैनाती है। माननीय गोरखपुर में तैनाती होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अच्छा सा पालन करें, इस उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज एक खुशी का दिन है कि जो 4 साल या 3.5 साल पहले केंद्र सरकार से एक योजना मिली थी, वो योजना ये थी कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप 35 मातृ और शिशु के 100 सैया के आप अस्पताल बनाएंगे। आज उस दिशा में ये पहला लोकार्पण है जो कि गोरखपुर में किया जा रहा है, मगर दुर्भाग्य
महत्वपूर्ण ये है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना थी कि 100 बेड के मातृ और शिशु अस्पताल अनेक जगह तैयार हो जाएं और जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर जो मातृ और शिशु दर है, जो उत्तर प्रदेश की एक तरह से बिगड़ी हुई है, उसमें सुधार आ सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो पिछली सरकार थी उसमें इतना ध्यान नहीं दिया गया, मगर पिछले 2 साल के अंदर योगी जी की सरकार ने 35 ऐसे अस्पताल तैयार कर लिए हैं, जिसमें पहला लोकार्पण यहां पर हो रहा है और फरवरी के अंदर हम लोग 20 और ऐसे अस्पतालों का लोकार्पण करने वाले हैं। तो ये इससे जो मातृ शिशु दर है और जो मातृ है और शिशु दोनों का जो उपचार है, इलाज है, वो अच्छी तरह से हो सकेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये अस्पताल के साथ और गोरखपुर के साथ, गोरखपुर मंडल या बस्ती मंडल और 38 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पे जेई और एईएस की भी बीमारियां हैं, ये अस्पताल उसमें भी योगदान देगा क्योंकि बेड की कैपेसिटी बढ़ रही है। लेकिन एईएस और जेई की जो लड़ाई है उसके अंदर भी योगी सरकार ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मगर 2-3 आंकड़े आपके बीच में रखना चाहता हूं। कहीं एईएस के कारण जो मृत्यु होती थी बच्चों की, 2017 और 2018 के बीच में जो गिरावट आई है वो 58% की गिरावट आई है। ये कोई साधारण चीज नहीं है और उसका कारण एक है। उसका कारण ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को एक नोडल विभाग बनाया और जो अन्य विभाग हैं, 8 ऐसे और विभाग थे, उसको भी इसके साथ जोड़ा। क्योंकि खाली बच्चा अस्पताल में आए, उसका इलाज हो, तो उससे ही काम नहीं होता है। प्रिवेंशन करना, रोकथाम करना भी आवश्यक है और उस रोकथाम के लिए अनेक विभाग आते हैं। नगर विकास आता है, ग्रामीण विकास आता है, पंचायती राज आते हैं, अनेक वहां पे स्वच्छता के काम, वहां पे जागरूकता के काम, शिक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग भी आता है, वो सब कार्य वहां पे किए गए। और दस्तक कार्यक्रम एक इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसको यूनिसेफ के माध्यम से किया गया कि 30 लाख घरों में 3 दफे प्रचार प्रसार के लिए उनको प्रोपेगेंडा के माध्यम से, उनको जागरूकता के माध्यम से वहां पे शिक्षित किया गया। और उसका कारण यह हुआ कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के अंदर कहीं 655 मृत्यु हुई थी, 2018 के अंदर खाली 250 ही मृत्यु हुई। तो जो गिरावट थी वो 400 की हुई है, कोई साधारण नहीं है। और कभी कभी हमारे विपक्ष लोग बोलते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, उनसे पूछो और वो जाके उन माताओं और पिता से पूछे कि वो जो 400 बच्चों की जो जान बची है, उनके अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं। ये कार्य योगी सरकार ने यहां पर किया है। मैं आज मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम लोग 2019 की भी कार्य योजना का आपके बीच में रखने जा रहे हैं और मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि जो पिछले साल हम लोग ने रिजल्ट्स जो पाए हैं उससे कहीं बेहतर और रिजल्ट्स हम लोग पाएंगे। आपकी प्रेरणा से जो हम लोगों को कार्य करने की शक्ति मिलती है, आपका जो मार्गदर्शन मिलता है, वो आपने इस साल की शुरुआत में ही 2 दिन पहले आप उसकी बैठक भी ले चुके हैं। हम लोग आपके मार्गदर्शन के माध्यम से, आपकी प्रेरणा के कारण हम लोग इस साल भी पिछले साल से बेहतर रिजल्ट पाएंगे और इस लड़ाई को, जो आपकी एक कल्पना थी कि जेई और एईएस की जो लड़ाई है उसमें हम लोग जीते,
जिसके लिए आपने आवाज भी 1990 में पार्लियामेंट में उठाई थी, वो लड़ाई जीतने का समय आ गया है। आप सबका हम लोगों को सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शिलान्यास रिमोट द्वारा आपके द्वारा किया जा रहा है, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करें। अब हम सब गोरखपुर वासी हो रहा है यह घड़ी के लिए। आपका जो भी अनुभव रहा है उसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। जनपद गोरखपुर में विगत वर्षों में जो इंसेफ्लाइटिस रोग से प्रभावित बच्चे थे, जो विकलांग हो जा रहे थे व जिनकी मृत्यु हो जा रही थी, उनकी संख्या में लगभग 75% कमी आपके प्रयास से आपने इस बीमारी को इतना महत्व दिया, आपने इतना काम किया है इस पर। आपसे प्रेरणा लेके आपकी ऊर्जा देख करके हमें भी ऊर्जा मिलता है। और कहते हैं कि जिसका नेतृत्व एक कुशल संचालक कर रहा हो उस नाव को पार लगाने से कोई नहीं रोक सकता, और आज हमारे इस नाव को पार लगाने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। हम सब बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि JEE एक ऐसी बीमारी है जो हंसते हुए को रुला के जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और गोरखपुर जिला चिकित्सालय में जिला महिला चिकित्सालय सौसैया की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई तथा सौसैया के क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय एवं मिनी PICU के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मातृ एवं शिशु कल्याण तथा पर्यटन की मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, सिंचाई मंत्री और गोरखपुर के प्रभारी मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, ससंत प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको मैं हृदय से यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। गोरखपुर की जब हम बात करते हैं तो गोरखपुर के साथ 9 जनपदों का एक कमल की पंखुड़ियों की तरह जुड़ाव सा है। कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, संत कवि नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर जनपद के चारों ओर ये सभी जनपद स्थित हैं। इसके अलावा गोरखपुर की स्वास्थ्य सुविधा पर न केवल गोरखपुर जनपद की 50 लाख की आबादी, अभी तो गोरखपुर और बस्ती, आजमगढ़ कमिश्नरी के इन जनपदों की आबादी के साथ ही पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल की तराई की एक बड़ी आबादी अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए गोरखपुर पर निर्भर करती है। स्वाभाविक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण केंद्र जिसमें गोरखपुर और वाराणसी न केवल
पूर्वी उत्तर प्रदेश के पे तो बिहार की भी एक बड़ी आबादी की स्वास्थ्य की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने में जिस भूमिका का निर्वहन उन्हें करना है उसके लिए वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मुझे प्रसन्नता है कि एक साथ इन दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ ही पीआईसीयू की जो नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू के लिए बहुत दिनों से मांग हो रही थी, इन सब के लोकार्पण के आज साथ ही गोरखपुर जनपद में दक्षिणांचल के कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उच्चीकरण, उनमें पीआईसीयू की स्थापना, ये सब आज एक साथ यहां पर लोकार्पित हो रही हैं। मैं इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूं कि एक समय सीमा के अंदर उन्होंने इन कार्यों को पूरा करवा करके आज आम जन की सुविधा के लिए इन्हें लोकार्पित भी किया जा रहा है। अक्सर होता है कि हम योजना तो बनाते हैं लेकिन योजना बनाने के बाद फिर उसे प्रारंभ करना और फिर प्रारंभ करने के बाद जो फिर उसमें उसके बाद की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, योजना बनने के बाद वो कभी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो पिछली सरकारों में विरासत में पिछली सरकारों ने जो छोड़ा था वह घुन कैसे व्यवस्था को अंदर अंदर खोखला बना रहा था कि योजना प्रारंभ होने के बाद फिर ठहर जाती थी रिवाइज एस्टिमेट के नाम पर, और फिर कई बार रिवाइज एस्टिमेट होता था और ये अनावश्यक बोझ जनता की जेब पर पड़ता था। जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए, न कि चंद लोगों की लूट खसोट के लिए। और उस बात को जब प्रभावी ढंग से लागू करने की बात आई तो स्वाभाविक रूप से पिछली सरकारों से जुड़े हुए उन लोगों को परेशानी ज्यादा होनी शुरू हुई जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बहुत मुस्तैदी के साथ इन कार्यों को एक समय सीमा के अंदर बिना किसी रिवाइज एस्टिमेट के उनको लागू किया और केवल एक भवन ही नहीं बनाया बल्कि यहां पर चाहे वह गोरखपुर का यह मातृ एवं शिशु कल्याण का यह 100 शैया का केंद्र हो, पीआईसीयू हो, या फिर 6 रोग से जुड़े हुए चिकित्सालय को वेल इक्विप्ड करने के साथ साथ वहां पर जितने भी चिकित्सक चाहिए, जितना भी मानव संसाधन चाहिए, इन सब को एक साथ वहां पर उपलब्ध करा करके गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, बिहार और नेपाल से आने वाली एक बड़ी आबादी को भी एक बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए सभी संबंधित का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात है गोरखपुर का 6 रोग चिकित्सालय का, आप सब जान सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तय किया 2030 तक दुनिया से हम 6 रोग को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम उससे 5 वर्ष पहले ही भारत से इसको समाप्त करेंगे, और भारत से समाप्त करना है तो स्वाभाविक रूप से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश को इसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करना होगा। उत्तर प्रदेश जिसके बारे में लोग कहते थे कि जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं ये योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए लागू होने में दिक्कत है क्योंकि एक बड़ी आबादी का 23 करोड़ की आबादी, यहां की बिगड़ी हुई मशीनरी, यहां पर कार्य न करने की पिछले 15-20 वर्षों की बुरी आदतें, इसके कारण लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन विगत 1.5 वर्ष के दौरान सरकारें कैसे चलती हैं और कैसे परिणाम आ सकते हैं, आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी फ्लैगशिप की स्कीमें, वह प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, स्वच्छ भारत मिशन का हो, सौभाग्य योजना का हो, आयुष्मान भारत का हो, या फिर किसी भी अन्य योजना में,
उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका में सामने आया है और उत्तर प्रदेश ने साबित किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भरपूर प्रतिभा है, अपनी ऊर्जा है और नेतृत्व करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के नागरिकों में है। और आज यही कारण है कि स्वच्छ भारत मिशन में अकेले उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्र में 2,60,00,000 शौचालय बनाए, अकेले गोरखपुर जनपद में 5,00,000 से अधिक शौचालय बनाए गए। अनुमान करिए 5,00,000 परिवारों को अकेले गोरखपुर के अंदर न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए अपितु नारी गरिमा के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर लग करके इतनी बड़ी मात्रा में इन शौचालयों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नारी की गरिमा के साथ साथ प्रत्येक बच्चे का और प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की प्राथमिक व्यवस्था इसके माध्यम से की। इस समय हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर 11,00,000 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र में 11,00,000 परिवारों को दे चुके हैं और शहरी क्षेत्र में 8,60,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध किया जा चुका है। अनुमान करिए मेरे साथ अभी परसों भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री थे, वो मुझे आंकड़े दे रहे थे। उन्होंने कहा साहब जब हमने योजना प्रधानमंत्री जी ने जून 2015 में प्रारंभ की थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर जून 2015 से लेकर के मार्च 2017 तक मात्र 20,000 आवास स्वीकृत किए गए थे, केवल 20,000 आवास। और मार्च 17 से लेकर के दिसंबर 18 तक हम लोगों ने 8,60,000 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पिछली सरकारों ने 2014 से लेकर के 2017 तक मात्र 63,000 आवास बनाए और इसी दौरान मार्च 2017 से लेकर के दिसंबर 2018 तक हम लोगों ने 11,00,000 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया। पिछली सरकारों ने निशुल्क विद्युत कनेक्शन एक भी व्यक्ति को नहीं दिया था, हमारी सरकार ने आने के बाद 94,00,000 से अधिक परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। कार्य की स्पीड क्या होनी चाहिए हर एक क्षेत्र में देखी जा सकती है। विद्युत वितरण की दुर्व्यवस्था पिछली सरकारों में, गोरखपुर के लोग और पूर्वांचल के लोग तो मेरे साथ आंदोलन भी करते थे, सड़कों पर बिजली नहीं मिलती थी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, गांव में तो कई कई दिनों तक, सप्ताह तक, 15 दिन तक, एक एक महीने तक बिजली नहीं मिलती थी। आज विद्युत की वितरण की व्यवस्था केवल गोरखपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत की यही व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है जो गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो रही है। बिना भेदभाव के विद्युत की सुविधा का उपयोग प्रदेश का प्रत्येक नागरिक कर सके, आज सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के अंदर कानून का राज हो इसको पूरी दृढ़ता के साथ अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी इसी अभियान का हिस्सा है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ विगत 20 वर्षों से मेरे साथ चल इस आंदोलन में आप सब ने बराबर की भूमिका का निर्वहन किया। सड़क से लेकर संसद तक लड़ी गई इस लड़ाई में आपकी बड़ी भूमिका थी और उस भूमिका के फलस्वरूप आज गोरखपुर ही नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी दे रहे थे, जो आंकड़े प्रोफेसर रीता बोगड़ा जोशी जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि व्यापक परिवर्तन हुआ है और व्यापक परिवर्तन करने की ओर अग्रसर हम सब हुए हैं। आज गोरखपुर में हमने 100 बेड का या मातृ एवं शिशु कल्याण का यह हॉस्पिटल यहां पर हम लोकार्पित कर रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के वेल फर्निश हो चुका है, इसमें चिकित्सकों की नियुक्ति हो चुकी है, मैं भी देखा हूं कलर डॉपलर दो दो रखे गए हैं, हर प्रकार के एक्सरे की सुविधाएं यहां पर दी गई, हर प्रकार की सुविधाएं यहां पर देने की व्यवस्था की गई है। बाल रोग विशेषज्ञ, महिला और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, इसमें फिजिशियन भी तैनात किए गए हैं, इसमें अन्य एनेस्थेटिक भी तैनात किए गए हैं, पैरामेडिकल के सभी स्टाफ की तैनाती की गई है और फिर इसको संचालित किया जा रहा है।
नवजात शिशुओं के लिए जो आईसीयू बनता है उसका निर्माण अलग से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बोझ को हम कम कर सके। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हमने सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में विगत डेढ़ और पौने दो वर्ष के दौरान जो परिवर्तन हुआ है वो सबके सामने है। भारत सरकार के सहयोग से 8 नई सुपर स्पेशलिटी हम लोग फरवरी में लोकार्पित कर देंगे। 8 नए सुपर स्पेशलिटी अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में खुल रही है। बाल रोग का एक नया संस्थान वहां बनकर के तैयार होने जा रहा है। इसी प्रकार से वहां पर इंसेफ्लाइटिस के वार्ड में चाहे वह वेंटिलेटर्स की नई आपूर्ति करने का रहा हो, वार्मर्स का हो, या फिर और भी जो भी सुविधाएं हो सकती थी, ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जहां दी वहीं रीजनल वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना भी भारत सरकार के सहयोग से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के भीषाणु जनित बीमारी के पहचान और फिर उसके अनुसार उपचार की सुविधा गोरखपुर में उपलब्ध होगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज उसका केंद्र बनेगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से गोरखपुर में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। एम्स का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि हम इसी फरवरी मार्च से प्रयास किया जा रहा है कि ओपीडी भी एम्स की हम प्रारंभ कर सकें। एम्स की ओपीडी के लिए दिल्ली, जोधपुर, लखनऊ और अन्य स्थानों से एक प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है कि डॉक्टर आना प्रारंभ करें। इसी के लिए गोरखपुर में इतनी वायु सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। दिल्ली से 3-3 सेवा है, बेंगलोर से है, अभी कोलकाता, मुंबई और काठमांडू से भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। ये सुविधाएं अधिक से अधिक लोगों की पहुंच गोरखपुर तक हो और गोरखपुर के लोगों की पहुंच पूर्वांचल के लोगों की पहुंच बाहर तक हो, इसलिए सुविधाएं यहां पर इस स्तर पर की दी जा रही हैं। आज यह कार्यक्रम यहां जहां प्रारंभ हो रहा है, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि नोडल विभाग के रूप में इस विभाग ने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ विगत डेढ़ वर्ष के दौरान जो बेहतर अभियान चलाया है उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आंकड़ों में बहुत नहीं जाना चाहूंगा, आंकड़े आपके सामने हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने रख दिए हैं, लेकिन यह तथ्य इस बात को प्रमाणित करता है कि यह अभियान विगत वर्ष भी चला था और इस वर्ष पुनः हम लोगों ने यह अभियान प्रारंभ किया है कि 10 फरवरी से 28 फरवरी तक 10 तक अभियान जैसा, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका एक नोडल विभाग होगा, साथ साथ चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, महिला और बाल विकास, बेसिक शिक्षा, ये सभी विभाग मिलकर के एक साथ अभियान चलाएंगे। 25 फरवरी से जापानी इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीनेशन की कार्रवाई फिर से प्रारंभ होने जा रही है, बृहद स्तर पर होगा। जो बच्चे छूटे हैं उनको भी हम वैक्सीन लगाएंगे और इसके साथ ही पहले चरण के कार्यक्रम को 18-20 दिन का ये पहला चरण का अभियान होगा। इसके बाद द्वितीय चरण का अभियान फिर हम लोग 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में इसको चलाएंगे। तीसरे चरण के अभियान को पहली जुलाई से 31 जुलाई के बीच में चलाएंगे। इस अभियान में अगर आम जन जागरूक हो जाए स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, जो शौचालय बनाए गए उनका उपयोग करने के साथ साथ उनको स्वच्छ रखें, तो मेरा यह दृढ़ विश्वास है न केवल इंसेफ्लाइटिस अपितु तो काला जार, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ये जितने भी इस प्रकार की बीमारियां, इन सबको हम पूरी तरह समाप्त करने में सफल हो सकते हैं। इसमें केंद्र प्रदेश सरकार तो आपके साथ है ही, इन अभियानों में आप सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना, अपने नवजात शिशु को बचाना, नौनिहाल को बचाना, उसके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना। बीमारी अगर हो गई है पहले तो बीमारी ना हो इसके प्रति सावधानी बरतना, लेकिन अगर बीमारी हो गई है तो बिना किसी लापरवाही के सीधे संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या जिला चिकित्सालय में लेकर के जाकर के डॉक्टर की राय लेना, उपचार की व्यवस्था करना, और अगर आपको लगता है कि वहां पर कहीं भी भारत बिगड़ रही है तो डॉक्टर स्वयं ही
उन्हें ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में रिफर कर देंगे। ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में भी सारी सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराई हैं। प्रशिक्षण के कार्यक्रम न केवल डॉक्टर के, स्टाफ नर्स के, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल का स्टाफ, इन सब के प्रशिक्षण के कार्यक्रम इस बार फिर से होंगे। बृहद अभियान पर प्रभात फेरियां निकलेंगी, जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम निकलेंगे, कार्यशालाएं चलेंगी, स्वच्छता के बृहद अभियान चलेंगे। इस अभियान में आम जन की सहभागिता इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और मुझे विश्वास है कि यह जो अभियान है, यह अभियान प्रत्येक नागरिक का अभियान बनना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन जैसे देश के अंदर एक आंदोलन बन चुका है, हर एक नागरिक इसके साथ जुड़ा है, ऐसे ही हम लोग इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ या विषाणु जनित बीमारियों के खिलाफ भी हम इसी तत्परता के साथ जुड़े, जिससे इन बीमारियों का उन्मूलन हो सके और हम अपने मासूम बच्चे को किसी भी जानलेवा बीमारी से बचा सकें। समय समय पर विभाग के द्वारा जो लगाए जाने वाले टीकाकरण के अभियान हैं, हम न केवल अपने बच्चे को उस टीके के साथ जोड़े, अभी तो अपने आसपास पड़ोस में हमारे मित्रगण होंगे, नातेदार रिश्तेदार होंगे, उन लोगों को भी बताएं कि अपने बच्चे को समय पर टीका लगवा लें, गर्भवती महिलाओं को समय पर टीकाकरण लगवाएं, जिससे हम दोनों को, जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ रख सकें। क्योंकि एक जो स्वस्थ मां है, एक स्वस्थ जो बच्चा है, यह देश की एक धरोहर है और उसको उस रूप में प्रस्तुत करना, उस रूप में समाज का संबल मिलना एक बड़ी बात हो सकती है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः, जब यहां पर इतने कार्यों का लोकार्पण एक साथ हो रहा है, बड़ा कार्य आज यहां गोरखपुर के और पूर्वांचल के वासियों को प्राप्त हो रहा है, इसमें यहां पर जो 100 सैया का मातृ शिशु स्वास्थ्य की इकाई आज लोकार्पित की गई है, 16,80,00,000 रुपए की लागत से यह बनकर के तैयार हुआ है। इसमें सारी सुविधाएं, 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 2 बाल रोग विशेषज्ञ, 1 पैथोलॉजिस्ट, 1 एनेस्थेटिक, 2 ओटी टेक्नीशियन, 6 लैब टेक्नीशियन, 3 नर्सिंग सिस्टर, 24 स्टाफ नर्स की नियुक्ति अकेले इस संस्थान के लिए यहां पर की गई है। इसी के साथ ही 100 सैया का जो 6 रोग से जुड़ा हुआ सामान्य चिकित्सालय है, ये 20,41,00,000 रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है और इसमें भी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था इसके साथ जोड़ी है। इसमें चेस्ट फिजिशियन है, बाल रोग विशेषज्ञ है, पैथोलॉजिस्ट है, चर्म रोग विशेषज्ञ है, रेडियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, एनेस्थेटिक है, जनरल सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ENT सर्जन है, नेत्र सर्जन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सभी को उनके साथ जोड़ा जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध कराने की दिशा में एक बेहतर प्रयास जहाँ किए जा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ उर्वा में वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का, जिसमें 4,18,61,000 रुपए की लागत से यह बनकर के तैयार हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में 45,00,000 रुपए की लागत से MRI मशीन की स्थापना यहां पर की गई है। इसके साथ ही जिला पुरुष चिकित्सालय में 2,11,00,000 रुपए की लागत से अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित मॉडलर OT की स्थापना भी यहां पर की जा रही है, यहां पर की गई है। ये सभी सुविधाएं यहां से न केवल गोरखपुर अपितु पूर्वांचल के लोग और बिहार और नेपाल से जुड़े हुए लोग भी इन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को इन पूरे अभियान को आम जन की सेवा के साथ जोड़ने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं। आप सबको इन उपलब्धियों के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के 5 लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में 5 लोकसभा क्षेत्रों के सांसद, विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग समय पर की गई। बैठक में CM योगी ने सभी सांसदों और विधायकों को लोकसभा की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए तथा शासन की योजनाओं को जन जन तक
पहुंचाने के लिए कार्य योजना बनाने के साथ लोगों तक पहुंचाने की बात कही। जिला महिला चिकित्सालय परिसर में रविवार को शवशय्या मार्ग एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई के उद्घाटन समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने जिला महिला चिकित्सालय के पूर्व प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर दिनेश सोनकर पर लगे आरोप के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जाँच चल रही है, जाँच के बाद जिन पर जो आरोप सिद्ध होगा उस पर जरूर कार्रवाई किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले सालों से जनपद के आसपास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, जिला अस्पताल को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मजबूत किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, जाँच चल रही है, जो जाँच के बाद जो आरोप सिद्ध होगा तो जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे और पूरी करेंगे, हम लोग इसकी चिंता नहीं करेंगे। चलिए, आपको आपके पास जो कागज है उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, हमारे पास है, जो जाँच होगी उस पर कार्रवाई होगी। और दूसरा, जो ट्रांसफर्स होते हैं वो ट्रांसफर्स अब कुछ पॉलिसी हम लोग ने तय करी जिसको कोर्ट ने अब उसका उस पर स्टैंप लगाई है, उसके आधार पे कर रहे हैं हम लोग। आपने अब मैं आपसे इस पे ये तो है ना कि आपने मुझसे डिबेट कर लेनी है, आप डिबेट करना चाहते हो तो फिर चलो मैं भी फाइल खोल देता हूँ। मैंने आपसे जब कह दिया है, जब जांच कार्रवाई जो है हमारी रिपोर्ट के आधार पे उसकी सुनिश्चित हो जाती है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आज भी आप बता दो मेरे कार्यकाल में किसी पे आरोप है और सिद्ध हुआ है उसको बचाया गया है तो नहीं करते हम। देखिए, ये एक गोरखपुर ऐसा मंडल है जिसके इर्द गिर्द खाली नेपाल ही नहीं बिहार भी है, और इर्द गिर्द जो जनपद हैं वहाँ पे भी स्वास्थ्य सेवाएं पीछे से पिछले सालों से नहीं थी, इसलिए गोरखपुर को हम लोग मजबूत भी कर रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही खाली था यहाँ पर, मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना रश आता था उसके कारण वहाँ पे जो टर्शरी केयर है, जो गंभीर बीमारियों का इलाज है वो नहीं हो पाता था, और इसके कारण हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट अस्पतालें हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन लोग को हम लोग मजबूत करना शुरू कर दिया है और इसके आने वाले सालों में उसके अच्छे परिणाम दिखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को दिया एक और सौगात, जिला महिला चिकित्सालय परिसर में 100 शैया युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का फीता काट कर किया शुभारम्भ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 50 करोड़ 75 लाख की लागत से कुल 9 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वस्थ माँ और बच्चा देश का होता है धरोहर। यदि समय से गर्भवती माँ बच्चे का टीका लगा दिया जाए तो दोनों ही रहेंगे स्वस्थ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मद्देनजर लोकसभाओं सभा क्षेत्र के सांसदों व विधायकों के साथ सीएम योगी ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला महिला चिकित्सालय के पूर्व प्रमुख अधीक्षक पर लगे आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जांच चल रही है, जांच के बाद जिन पर जो आरोप सिद्ध होगा उस पर कार्रवाई होगी जरूर। जनपद के 30 केंद्रों पर संपन्न हुई पुलिस आरक्षी एवं पीएससी की सीधी भर्ती परीक्षा। एक केंद्र पर मचे अफवाह के कारण दूसरी पाली की परीक्षा हुई स्थगित। सोमवार को अब दूसरे केंद्र पर होगी परीक्षा। बनवारी लाल कंचल की अध्यक्षता में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर इकाई की त्रैमासिक बैठक। संगठन को मजबूत बनाने सहित व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में सनातन संस्कृति के आधुनिक प्रेरणा हनुमान प्रसाद पोद्दार विषयक संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने हनुमान प्रसाद पोद्दार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। पुरदिलपुर स्थित शिव मंदिर परिसर में स्थित पीपल के पेड़ में लगी आग। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। और 10% आरक्षण दिए जाने के विरोध में संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने दिया धरना। जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। अरकम सी ट्रेवल्स आरे खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐशप्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए IVF, ICSI, IUI लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें। और सिटी स्कैन, 2D इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार मेडिकल कॉलेज रोड, चरगावा, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028। Thank you.
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। बात करके देखते हैं, बात करनी चाहिए बात। अमु बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता कि होता है, हो जाता है, समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था, अमु तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं, टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ है ना पापा। हाँ किससे बात कर रहे हो? अमु किसी से नहीं। ओ मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस विभाग में आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष महिला एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 की ऑफलाइन लिखित परीक्षा जिले के 30 केंद्रों पर संपन्न हुई। रविवार को आयोजित परीक्षा के दौरान द्वितीय पाली की परीक्षा में परीक्षा केंद्र बहिला देवी मोतीलाल इंटर कॉलेज बरगदही थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर पर कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्न पत्र देर से वितरित किए जाने तथा अभ्यर्थियों में कुछ गलतफहमी व अफवाहों के कारण रविवार की परीक्षा संपन्न नहीं कराई जा सकी। प्राधिकृत संस्था द्वारा उस परीक्षा केंद्र को बदलते हुए दूसरी पाली की स्थगित परीक्षा अब सोमवार को दूसरी पाली में 2 बजे से शाम 5 बजे तक विमल मॉन्टेसरी गर्ल्स इंटर कॉलेज धर्मपुर निकट नवीन मैरिज हॉल थाना शाहपुर में संपन्न कराई जाएगी। ये जो आज परीक्षा होनी थी, ये आपकी परीक्षा कल विमल मॉन्टेसरी स्कूल गर्ल्स इंटर कॉलेज धर्मपुर नवीन मैरिज हॉल शाहपुर के पास, वहां पर ये परीक्षा 3 बजे से 5 बजे तक कल आयोजित की जाएगी। सभी लोग हमारी बात ध्यान से सुन ले, विद्यालय नोट कर ले, समय नोट कर ले। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो वो आकर के मुझसे पूछ सकता है या मुझसे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद है उनसे भी पूछ सकता है। तब तक आप लोग यदि यहाँ रुकना चाहें तो यहीं पर रुके, आपके भोजन की भी व्यवस्था यहीं पर करवा दी जाएगी। ठीक है, जो लोग यहाँ पर रुकना चाहते हैं वो यहीं रुक जाए, इसी विद्यालय पर उनके भोजन की व्यवस्था करवा दी जाएगी। ठीक है, कहीं से कोई भी समस्या आती है आपके रुकने ठहरने वो व्यवस्थापन करवा दिया जाएगा। पुनः विद्यालय का नाम ध्यान पूर्वक नोट कर ले, विमल मॉन्टेसरी स्कूल गर्ल्स इंटर कॉलेज धर्मपुर थाना शाहपुर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो वो बता दीजिए 3 बजे से 5 बजे तक। कह रहा हूँ कोई पेपर इधर की उधर नहीं हुई है, ये केवल एक मैनेजरियल, क्योंकि 30 सेंटर है यहाँ पर। एक गाड़ी से इस यहाँ का बक्सा दूसरे स्कूल में चला गया, दूसरे स्कूल का बक्सा इधर आ गया, इतना ही हुआ है। मैं ये अभी ये
आप सबको अभी भी अवसर दिया जा रहा है, आप अगर अभी भी देंगे तो 6 से 8 में हम नए पेपर मैं खुद लेकर के आऊंगा, और ये चूंकि सेक्शन अलग अलग होता है तो कल कल के लिए इन्होंने बता दिया है। कहाँ पर बताया है? विमल मांडेसरी स्कूल धर्मपुर शाहपुर में 3 से 5 इस सेंटर की फिर से री एग्जाम होगा नए पेपर सेट के साथ। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जो ये एडमिट कार्ड आज का है यहीं पर वहाँ चलेगा। और आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेज है, सब चीज सीसीटीवी में है, उसकी अगर आपको शक है आप में से 4 लोग मेरे साथ रहे, हम आपको पूरी जांच कराकर दिखा देंगे, कहीं कोई हेरफेर नहीं हुआ है। व्यवस्था इस तरह की नहीं रखी जाती है कि कुछ इधर का उधर हो पाए, हर चीज सीसीटीवी में है। सब इंस्पेक्टर पुलिस वाले की नौकरी खतरे में होती है अगर कुछ होता है। ये सब इंस्पेक्टर है जिसकी ड्यूटी है वो पेपर नहीं खुलने देगा, ऐसे कंप्यूटराइज चीजें हैं सारी। तो खाली बंडल गलती से वहां गए, वहां के बंडल इधर आए, यहाँ के बंडल उधर पहुंच गए। बेटा आप में से कुछ लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बात जायज होगी, आप में से कुछ लोग रुके इधर हमारे साथ, हमारा जांच में सहयोग दे, हम जांच करेंगे, हमारा जांच में आप सहयोग दे। और साथ में ही आपको जो बताया है शाहपुर में कल 3 से 5 नए पेपर सेट के साथ इस सेंटर के जो विद्यार्थी हैं वो पहुंचे फटाफट, क्योंकि कुछ लोग हमें सुना है कि जा चुके हैं, बिल्कुल जांच के मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये एसपी साहब आ जाए, ये एसपी साहब हैं, ये जांच करेंगे, अभी का भी जांच करेंगे, जो कुछ लोग अगर कुछ बच्चे हैं इनका जांच का सहयोग देना चाहे बहुत अच्छी बात है, ये शोभा नहीं देता है कि शोर शराबा आप लोग भीड़ मचाएं। आप में से जो बच्चे 2-4 अच्छे बच्चे हैं वो आ जाए इधर हमारे पास। महानगर के गोलघर स्थित एक होटल में रविवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर इकाई की त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए व्यापारियों का आह्वान किया और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के साथ उसके निस्तारण पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने व्यापारियों से महीने में एक बार बैठक कर आपस में अपनी समस्याओं पर चर्चा करने का निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा, बहुत ही हमारे एक समझिए कि कंधे से कंधा मिलाकर के आप काम करते हैं हमारे साथ। हो सकती है अगर हम करना चाहेंगे तो, हो सकती है अगर हम नहीं करना चाहेंगे नहीं हो सकती है। कितना भी काम करो सारे राजनीतिक दलों की हर महीने मीटिंग तो फिक्स है, 10 तारीख को होगी, 5 तारीख को होगी, 7 तारीख को होगी, 8 तारीख को होगी, हमारी मीटिंग क्यों नहीं होती? हमारी मीटिंग में हो सकती है 3 महीने में जिले की मीटिंग, 1 महीने में नगर की मीटिंग, नगर युवा की बैठक अलग और जिला युवा की बैठक अलग। इसलिए होगी कि जब नगर युवा और महानगर एक में मिल जाता है ना तो ये मालूम होता है कौन युवा का पदाधिकारी और कौन महानगर का पदाधिकारी, कहते हमारे बैठे हैं नगर युवा, कहता है ये सब हमारे बैठे। इसलिए हम लोगों ने ये सिस्टम अलग बना दिया है, नगर युवा की ताकत अलग दिखाई दे, जिला युवा की ताकत अलग दिखाई दे, महानगर की ताकत अलग दिखाई दे और जिला मुख्य मेन कमेटी की ताकत अलग दिखाई दे। हम लोग तो शपथ ग्रहण भी अलग अलग कर रहे हैं, महानगर का या नगर का शपथ ग्रहण अलग और जिले का शपथ ग्रहण अलग। अभी हमारे लखनऊ में महानगर का शपथ ग्रहण अलग हुआ और जिले का शपथ ग्रहण अलग। हमारे यहाँ तो 95-96 बाजार है, हर बाजार से 10-10 आदमी आ गए तो 1000 आदमी इकट्ठे होंगे। गांधी भवन में किया हम लोगों ने, शहीद स्मारक के सामने बहुत शानदार किया, उससे अब हमने जिले का अलग किया तो जिला महामंत्री को ये चिंता हुई कि भाई हमें 1000 लोगों को जुटाना है। महानगर का किया तो महानगर के महामंत्री को ये चिंता हुई कि मुझे 1000 आदमियों को जुटाना है। 1000 महानगर के सम्मेलन में जुड़ गए, 1000 जिले के सम्मेलन में जुड़ गए, तो हमारी ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी बताइए आप लोग। तो इस तरीके से अभी आपका शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण होना चाहिए। अब उसकी डेट तय करके या तो अभी बता दीजिए या बाद में बता दीजिए, मार्च में किसी फरवरी में लगन वगन ज्यादा है, मार्च में जिसमें लगन ना हो वो कोई डेट बता दीजिए तो ये हो जाए।
एक बात मैं और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि गोरखपुर हमारा पूर्वांचल का बहुत बढ़िया जनपद है और मैं तो ये मानता हूं कि अगर कभी पूर्वांचल प्रदेश बना तो गोरखपुर उसकी राजधानी बने, बनारस नहीं बने, ये मैं बता दूं। इसलिए नहीं बनेगा कि वो बिहार के बॉर्डर पर, बॉर्डर का कोई नगर कभी राजधानी नहीं है, बीच का नगर होना चाहिए, गोरखपुर बीच में है, इधर भी 8-10 जिले हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी चारों तरफ। प्रदेश कार्य समिति की हमारी बैठक पिछले 3-4 सालों में यहाँ नहीं, जबकि हर 3 साल में एक बार गोरखपुर में हुआ। तो मैं अपने जिलाध्यक्ष जी से भी, महानगर अध्यक्ष जी से भी और टेक्टीवाल जी से भी अनुरोध करता हूँ कि एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक अप्रैल में यहाँ पे हो, या तो जब आप शपथ ग्रहण करें उसी में हो जाए, 11 बजे से 1 बजे तक हो जाए हमारी कार्य समिति की बैठक, तो आपका डबल खर्चा नहीं होगा, और 1 बजे के बाद हो जाए शपथ ग्रहण तो उसी दिन हो सकता है। तो आप ये दोनों कार्यक्रम तय करके, अपना सलाह मशवरा करके, अपने कमेटी में रख करके और शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, पर रोड शो के साथ दो शपथ ग्रहण, और जिस दिन बाजार बंद रहेगा उस दिन नहीं होगा, ये भी सब संडे वाले दिन नहीं होगा, जिस दिन बाजार खुला रहेगा पूरा बाजार हमारी ताकत को देखे, युवा व्यापार मंडल की 100 मोटरसाइकिलें और 100 फोर व्हीलर का जरूर जब पूरे बाजार में निकलेगा, जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा, व्यापारी को बीमा दो पेंशन दो पेंशन दो के नारे लगाते हुए जब रोड तो पूरे गोरखपुर में निकलेगा तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी और सारे अधिकारी बिलों में दुबक जाएंगे, कोई 3 साल तक निकलेगा नहीं। मेरा अनुरोध है, मेरा जो आज आने का जो खास है, अब तो हम हर 3 महीने में आएंगे आपके यहाँ, ये समझ लीजिए, और जब भी हम आएंगे आप दोनों से बात कर लेंगे, बैठक की व्यवस्था करा दीजिएगा, और जैसा अब तो सबके डाउट मिलता नहीं है, और एक बड़ा संजोग ऐसा है कि जिस दिन मैं आता हूँ उसी दिन माननीय योगी जी आ जाते हैं, तो न PWD मिलता है न सर्किट आउट मिलता है, फिर भी आपने इतनी अच्छी बैठक की, मैं इसके लिए अपने महानगर अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी को और अन्य सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके आदेशों का, आपके निर्देशों का अच्छा सा पालन करेंगे। आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की गोरखपुर इकाई की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया है, और ये बैठक हमने ली है संगठन को मजबूत बनाने के लिए और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इस बैठक में विचार किया गया। अभी हमारी केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स में व्यापक सुधार करने जा रही है, और उन्होंने व्यापार मंडल के लोगों से, व्यापारियों से, उद्यमियों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। हम लोगों ने 4 सुझाव दिए हैं कि इनकम टैक्स की छूट की सीमा 6 लाख रुपए की जाए, क्योंकि हमारे बगल के देश चीन ने 6 लाख की छूट की सीमा कर दी है, 80G में 1.5 लाख की सीमा बढ़ा के 3 लाख की जाए, और इनकम टैक्स की दर 10 लाख के नीचे 5%, 10 लाख से 20 लाख की आय पे 10%, 20 लाख से 50 लाख की आय पे 20%, और 50 लाख से ऊपर की इनकम पे 25% की जाए, इससे ज़्यादा न की जाए, और जो प्राइवेट फर्म और कंपनियां हैं उनके नियम एक ही रखे जाएं, अभी उन दोनों में अंतर है जिससे प्राइवेट जो फर्में हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। तो इस प्रकार से GST के बारे में कुछ खामियां आई हैं, GST में हम चाहते हैं कि 1.12 करोड़ व्यापारियों का बीमा किया जाए, सुरक्षा बीमा, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, व्यापारियों को पेंशन देने का नियम बनाया जाए, क्योंकि व्यापारी एक टैक्स कलेक्टर के रूप में काम करता है, एक विभाग के टैक्स कलेक्टर को पेंशन दी जा रही है, जैसे इनकम टैक्स अधिकारी, GST के अधिकारी, हम तो 3 विभागों के टैक्स कलेक्टर हैं, GST के टैक्स कलेक्टर हैं, मंडी विभाग के हैं, वन विभाग के हैं, तो व्यापारी को पेंशन दी जानी चाहिए, और उत्तर प्रदेश से मंडी शुल्क समाप्त होना चाहिए और वन विभाग का टैक्स समाप्त होना चाहिए। ऑनलाइन ट्रेडिंग से खुदरा व्यापारियों को खतरा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग पर रोक लगानी चाहिए। हम समझते हैं सरकार हमारी इन मांगों को सुनेगी और समाधान करने का काम करेगी। व्यापारी भाइयों को दिशा निर्देश यही दिया गया कि अपनी समस्याएं यहाँ पे माननीय योगी जी के सामने भी रखिए, और हमारे जो शुक्ला जी हैं, शिवप्रताप शुक्ला जी, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, उनके सामने भी रखे जाने चाहिए, और महीने में एक बार नियमित रूप से बैठक होनी चाहिए, और उसमें जो भी समस्याएं हमें उसका समाधान होना चाहिए।
दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सनातन संस्कृति के आधुनिक प्रेरणता हनुमान प्रसाद पोद्दार विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे, भारतीय अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, हरिकृष्ण पुजारी सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने किया। इस मौके पर वक्ताओं ने सनातन संस्कृति के आधुनिक प्रेरणता हनुमान प्रसाद पोद्दार विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हनुमान प्रसाद पोद्दार सनातन धर्म के मानने वालों में से एक थे। हिंदू धर्म संस्कृति के जीवंत प्रेरणादायक भाई जी से गोरखपुर को अपना आध्यात्मिक स्थान चुना और देश में आध्यात्मिक ज्ञान देने का काम किया था। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, जब भाई जी ने राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक आंदोलन के रूप में या राजसत्ता को अपदस्थ करने समाज में उस स्तर पर अपने मित्रों और आध्यात्मिक सहयोगियों के द्वारा गोरखपुर के स्थान का चुनाव किया और पहले ये तय था कि 3 महीना गोरखपुर में रहेंगे, शेष समय कहीं एकांतवास करेंगे, आध्यात्मिक साधना करेंगे। लेकिन फिर तो जो गोरखपुर आए तो गोरखपुर के ही हो गए और गोरखपुर के होकर के उन्हें भारतीयता का एक वैश्विक संदर्भ संपूर्ण विश्व के साथ बात याद कर रहा हूं। कोई भाई जी अकेले उस समय काम को नहीं कर रहे थे। याद करिए, मदन मोहन मालवीय अपने प्रोफेशनल लाइफ को 1911 में छोड़ने के बाद संपूर्णतः हिंदू शास्त्रों के एक्सप्लोरेशन, हिंदू समाज के हित के लिए हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे, जिसको के प्रयास कर रहे थे। और 1917 में एक ऐसा स्वप्न साकार हुआ था जिसकी कल्पना नहीं कर सकता था कोई व्यक्ति, जिसको कह करके टैगोर जैसे व्यक्ति को जो हिंदू राष्ट्रीयता के समर्थक नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मालवीय जी ने विश्वविद्यालय स्थापित करके पूरी दुनिया में हिंदू जीवन दृष्टि के बारे में, हिंदुओं की क्षमता के बारे में एक परिवर्तन किया है। क्योंकि माना जाता है हिंदू पाठशाला चला सकता है, विश्वविद्यालय चला सकता है, विश्वविद्यालय और वैश्विक संदर्भों में शिक्षण संस्थान हिंदू जीवन दृष्टि के आधार पर, हिंदू मूल्य दृष्टि के आधार पर नहीं चल सकता। मैं टैगोर के शब्दों को उद्धृत करता हूं, मालवीय जी ने उसको पढ़ा। वह एक आध्यात्मिक साधना और धर्म के प्रचार का उनका एक अपना तरीका था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था भारत हिंदू विश्वविद्यालय का शिक्षित युवा पूरी दुनिया में सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भारत का काम करेगा। तो दूसरी तरफ अरविंद एक क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, उनको लगा कि स्वतंत्रता मिलती है इन परिस्थितियों में, यदि जागृत भारत नहीं है, अपने आध्यात्मिक साधना के मूल्य पर जागृत भारत नहीं है तो स्वतंत्रता मिलती है तो स्वतंत्रता व्यर्थ और निष्फल होगी। उन्होंने व्यक्ति परिष्कार का रास्ता योग के माध्यम से चुना और पांडिचेरी में केंद्रित होकर के एक समन्वित योग, इंटीग्रल योग, जिसमें दैविक भौतिक सभी प्रकार के दुखों के परिशमन के लिए जागृत व्यक्ति का, सचेत व्यक्ति का निर्माण हो सके, इसके प्रयास किए। अब इन दोनों ही प्रयासों का आने वाले दिनों में क्या होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन भाई जी ने एक दूसरा है रास्ता, उन्होंने संपूर्ण समाज को, संपूर्ण हिंदू समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को एक पाठशाला के रूप में लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं महत्वपूर्ण है उनके साथ, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उस कालखंड की कल्पना करिए, संप्रदायों में विभक्त हिंदू समाज की कल्पना करिए, विविध प्रकार के मूल सिद्धांतों को ही अंतिमता मान करके, दार्शनिक मतभेदों को अंतिमता मान करके विचार करने वाले समाज की कल्पना करिए। ताकत चुनौती ज्यादा बढ़ी हुई है, तो उस चुनौती को किस प्रकार से हम प्रत्युत्तर कर सकते हैं भारतीय मूल्यों के आधार पर, यह भाई जी के मूल्यांकन से संभव हो सकेगा। सांस्कृतिक चेतना की प्रतीक, जैसा कि भी आचार्य शुक्ल, भारत माता रत्न गर्भा है,
तो प्रतिघात के लिए या उसके क्षतिपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर लोग स्वयं रूप प्रकट होते हैं। ऐसे श्रृंखला में भाई जी हमानुसार होता एक नक्षत्र के समान चमकता हुआ नाम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में जन्मे, कार्य क्षेत्र उन्होंने असम और कलकत्ता बनाया, लेकिन सारा प्रसाद ये गोरखपुर के भाग्य में प्राप्त हुआ। हम जब वर्धा जाते हैं नागपुर के पास तो दो महापुरुषों का आश्रम है, एक महात्मा गांधी जी का और विनोबा भावे का। विनोबा भावे जी की समाधि जब देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ राम हरि, और महात्मा गांधी की समाधि देखते हैं तो लिखा हे राम। ऐसे जितने महापुरुष उस कालखंड के होते हैं, मदन मोहन मालवीय से लेकर पुरुषोत्तम दास राजेश टंडन जी से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद्र जी से लेकर हम चले जाते हैं दक्षिण में पांडिचेरी तक, तो जो भी पॉजिटिव दृष्टि से जिनका कंट्रीब्यूशन इस देश को कुछ देने में है, वो सबके अंदर एक चीज दिखाई देता है कि वो 100% सनातन धर्मावलंबी लोग हैं। और जो लोग सनातन धर्मावलंबी नहीं है उनका कहीं ना कहीं से लगाव यूरोपियन गवर्नमेंट से है। तो जो भी इस देश के आत्मा के साथ सत्कार करता है और देश के साथ खड़ा हुआ है वह इस देश के उस शाश्वत धर्म का संभाग है। और जब भी शाश्वत धारा से अलग होता है तो कहीं ना कहीं वो यूरोपी बनता है, वो यूरोपियन बनता है। और निश्चित रूप से 1857 से लेकर 1920 तक ऐसे यूरोपीय धारा के पोषक लोगों के द्वारा इस देश को नुकसान करने का बड़ा षड्यंत्र किया गया था, लेकिन जैसे ईश्वर की कृपा एक बड़े खेत के रूप में, जैसे शरीर पे एक जगह चोट लगती है तो पूरे शरीर का खून दौड़ता है उसको भरने के लिए, कभी कभी वो ज्यादा भी हो जाता है, सूजन आ जाता है। अंगांगी भाव का जो कल्पना है हमारे वहां, उस प्रकार से जब भी कोई आपत्ति आती है, कोई समस्या आती है तो पूरे देश में इस प्रकार के महापुरुषों का एक प्रादुर्भाव होता है और उसका जो संबल होता है वह यहाँ का जो प्राचीनतम और अनवरत चला आ रहा स्वयं सिद्ध और हर प्रकार से परीक्षित जो धारा है सनातन धर्म की, वह सामने रहता है। सब प्रकार से विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले मदन मोहन मालवीय से पूछते हैं कि आपका सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है, तो कहते हैं सबसे प्रिय वस्तु हमारी सनातन धर्म है। और सनातन धर्म के लिए मैं अनेकों हिंदू विश्वविद्यालय कुर्बान कर सकता हूं, सनातन धर्म की स्थापना के लिए ही हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है। इसलिए मैं देखता हूं उस कालखंड में जब विचलन भी आता, बहुत सारे राजनीतिक कारणों से ग्रंथों की रचनाएं हुई और कुछ लोग मुठ्ठी भर लोगों के विषय में ही रिसर्चेस हुए। दुर्भाग्य से हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में एक विडम्बना ज्यादा है, कक्षा 1 से लेकर MA तक मैंने इतिहास पढ़ा लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को नहीं पढ़ा। गोरखपुर का बात भी हमने थारे बायस रायों के वंशावली पढ़े, नाक कितने लंबे थे, गोरे कितने थे, लंबे कितने थे, कितना पढ़े थे, कितना बोलते थे, मुसलमानों की सारी वंशावलियां पढ़ी, मुसलमान की वो जो राजा थी रजिया सुल्ताना घोड़े चढ़ती थी, गहे चढ़ती उतरते गए चढ़ते उतर थी, चढ़ते समय विशेष हाथ कौन लगाता था यह आवश्यक था। लेकिन गुरु गोरखनाथ का कंट्रीब्यूशन क्या है गोरखपुर में, यह गोरखपुर विश्वविद्यालय को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रही। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का क्या योगदान था यह गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया। संत कबीर बुद्ध तो हो सकता है बुद्ध अध्ययन केंद्र के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग विद्यार्थी होने के नाते हमको लगता है कि सिलेबस में मिला नहीं। इसीलिए इतिहास एक
परकीय विषय होकर रह गया। जब हजारों लोगों से मिलता हूं मैं और पूछता हूं कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं आप, तो उन्होंने तबो कहते हैं कि पीसीएस में अच्छा स्कोर बन जाता है, या कहीं और एडमिशन नहीं होता तो यहां हो जाता है, क्योंकि वह विषय हमारा रह नहीं गया, हमने उसको अपने को देखा नहीं इतिहास में, हमारे पूर्वजों को जो देखा तो हमारे पूर्वज अपमानित हैं, उसमें मारे पीटे गए हैं, जो भी हमारे पूर्वजों का कंट्रीब्यूशन है, जो सहयोग है, जो कुर्बानियां उनकी है, वो कहीं इंगित नहीं कराई जाती। हमारा मन और शरीर पवित्र होता है, इसीलिए आवश्यक है कि इस प्रकार के महापुरुष जो हमारे स्थानीय महापुरुष हैं, जिनका कोई ना कोई सहयोग हमारे राष्ट्रीय और धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हुआ है, ऐसे लोगों का ठीक प्रकार से अध्ययन हो। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुर्दिलपुर स्थित शिव मंदिर परिसर में पीपल के पेड़ में अचानक आग लग गई, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मंदिर के पुजारी के अनुसार किसी श्रद्धालु ने पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाया था, उम्मीद है कि उसी कारणों से आग लगने की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मंदिर के पुजारी राकेश ने बताया। राकेश कुमार पुजारी, ऐसा हुआ है कोई जला दिया था, हम लोग तो घर पे हैं, हमारे छोटे भाई साहब एक्सपायर कर गए हैं इसीलिए हम घर पे हैं, और कोई जला दिया होगा, दिया हुआ उसी से पकड़ लिया अभी आधा घंटा पहले, घर पे लोग बुलाए हमको तब जाने बुझा रहे हैं। देखिए संविधान बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने रविवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 10% आरक्षण दिए जाने के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया। धरने पर मौजूद जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। धरने में संघर्ष समिति के धीरज कुमार, एडवोकेट विक्रम दास, प्रियंका भारती, विमला यादव, रेणु गुप्ता, उषा रानी, ओम प्रकाश साहनी, डॉक्टर रमेश चंद्र साहनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संविधान बचाओ संघर्ष समिति के जिला संयोजक एडवोकेट सीपी पासवान ने कहा, एडवोकेट सीपी पासवान, जिला संयोजक संविधान बचाओ संघर्ष समिति। हम गोरखपुर में नगर निगम पार्क में संविधान के विरोध में जा करके जो आर्थिक आधार पे फैसले लिए गए हैं, उस फैसले के विरोध में हम लोग पूरे भारत में 550 जिलों में हर जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले चरण में हम लोग तहसील स्तर पर करेंगे, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर करेंगे, उसके बाद 5 मार्च को हम लोग पूरा भारत बंद करेंगे। जब तक कि संविधान विरोधी फैसले नहीं बंद किए जाएंगे, हमारा ये संघर्ष चलता रहेगा। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को दिया एक और सौगात, जिला महिला चिकित्सालय परिसर में 100 शैया युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का फीता काट कर किया शुभारम्भ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 50,75,00,000 की लागत से कुल 9 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वस्थ माँ और बच्चा देश का होता है धरोहर,
यदि समय से गर्भवती माँ बच्चे का टीका लगा दिया जाए तो दोनों ही रहेंगे स्वस्थ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मद्देनजर लोकसभाओं सभा क्षेत्र के सांसदों व विधायकों के साथ सीएम योगी ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला महिला चिकित्सालय के पूर्व प्रमुख अधीक्षक पर लगे आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जांच चल रही है, जांच के बाद जिन पर जो आरोप सिद्ध होगा उस पर कार्रवाई होगी जरूर। जनपद के 30 केंद्रों पर संपन्न हुई पुलिस आरक्षी एवं पीएससी की सीधी भर्ती परीक्षा, एक केंद्र पर मचे अफवाह के कारण दूसरी पाली की परीक्षा हुई स्थगित, सोमवार को अब दूसरे केंद्र पर होगी परीक्षा। बनवारी लाल कंचल की अध्यक्षता में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर इकाई की त्रैमासिक बैठक, संगठन को मजबूत बनाने सहित व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में सनातन संस्कृति के आधुनिक प्रेरणा हनुमान प्रसाद पोद्दार विषयक संगोष्ठी का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने हनुमान प्रसाद पोद्दार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। पुरदिलपुर स्थित शिव मंदिर परिसर में स्थित पीपल के पेड़ में लगी आग, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। और 10% आरक्षण दिए जाने के विरोध में संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने दिया धरना, जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।